हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वाले वीडियो में होंडा की सभी बाइकों का प्राइस डिटेल आपको बताने वाला हूं। तो अगर आप 2024 में होंडा की कोई सी भी बाइक लेने का सोच रहे हैं तो ये वाला वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो ये जितना भी मैं डिटेल है सब कुछ मैं पटना शहर का बता रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये आप मेरे हाथों में देख सकते हैं, ये है प्राइस डिटेल, आपको सारा बाइक का इसमें प्राइस डिटेल देखने को मिल जाएगा। तो एक बार मैं इसे बड़ा कर देता हूं, आप वीडियो पॉज कर आप देख सकते हो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं साइन 100 की। तो इसमें आपको ड्रम वेरियंट देखने को मिल जाता है। इंजन की बात कर लो तो इसमें आपको 100 cc का इंजन देखने को मिल जाता है। साथ ही एक्स शोरूम की बात कर ले तो यहाँ पे आपको 62,900 रुपया एक्स शोरूम देखने को मिल जाता है। बाकी इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन वगैरह दोनों मिलाकर आपको यहाँ पे 74,543 रुपये ऑन रोड देखने को मिल जाते हैं। साथ ही अगर आपको इसमें जीरो डेप्ट करवाना है तो आपको यहाँ पे 430 रुपये जीरो डेप्ट के लग जाते हैं, और उसके बाद जो ऑन रोड प्राइस है वो आपका 75,878 रुपीज देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं CD 110 ड्रीम की। तो इसमें भी आपको ड्रम वेरियंट देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपको 110 cc का इंजन देखने को मिल जाता है। साथ ही इसके एक्स शोरूम की बात कर लूँ तो ये आपको 73,500 रुपये आपको एक्स शोरूम देखने को मिल जाएगा। साथ ही अगर इंश्योरेंस की बात कर ले तो इसमें आपको 5,167 रुपये का आपको इंश्योरेंस चार्ज देखने को मिल जाता है। साथ ही 7,515 रुपये आपका रजिस्ट्रेशन चार्ज देखने को मिल जाएगा। और बात कर लो ऑन रोड की तो यहाँ पे आपको 86,181 रुपये आपको ऑन रोड प्राइस देखने को मिल जाता है। तो अब बात कर लेते हैं होंडा लीवो की। तो यहाँ पे आपको ड्रम और डिस्क दोनों वेरिएंट में देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपको 110 cc का इंजन देखने को मिल जाता है। और एक्स शोरूम की बात कर लूँ तो यहाँ पे अगर आप ड्रम वेरिएंट चुनते हो तो यहाँ पे जो एक्स शोरूम प्राइस वो आपको 77,500 देखने को मिल जाता है। और वहीं अगर बात कर लूँ डिस्क की तो यहाँ पे आपको 81,550 रुपये एक्स शोरूम प्राइस देखने को मिल जाता है। साथ ही बात कर ली इसके ऑन रोड प्राइस की, तो अगर आप ड्रम वेरिएंट में चुनते हो तो इसका जो ऑन रोड प्राइस है वो आपको 95,020 रुपये देखने को मिल जाते हैं। और वहीं बात कर लूँ डिस्क वेरिएंट की तो इसमें आपको 5,000 का फर्क देखने को मिल जाता है। और अब बात कर लेते हैं साइन 125 की। तो इसमें भी आपको ड्रम और डिस्क दो वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपको 125 cc का इंजन देखने को मिल जाता है। बात कर लूँ एक्स शोरूम प्राइस की, तो अगर आप ड्रम चूज करते हो तो यहाँ पे आपको एक्स शोरूम प्राइस 79,550 रुपीज़ देखने को मिल जाता है, और ऑन रोड प्राइस आपको 92,823 रुपये देखने को मिल जाता है। और वहीं बात कर लूँ डिस्क की तो यहाँ भी आपको 4,000 का फर्क देखने को मिल जाता है, जिसकी एक्स शोरूम प्राइस है 83,550 रुपये। और साथ ही अगर आप बात कर लूँ ऑन रोड प्राइस की तो यहाँ पे जो ऑन रोड प्राइस वो आपको देखने को मिल जाता है 97,215 रुपीज़ की। तो अब बात कर लेते हैं सबसे चहेती बाइक जो है होंडा SV125। तो इसमें भी आपको ड्रम और डिस्क दो वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपको 125 cc का आपको यहाँ पे एयर कूल्ड इंजन देखने को मिल जाता है। साथ ही बात कर लूँ ड्रम की एक्स शोरूम प्राइस की तो यहाँ पे आपको 86,109 रुपये एक्स शोरूम प्राइस देखने को मिल जाते हैं। साथ ही अगर बात कर लूँ ऑन रोड की तो यहाँ पे आपको 1,00,000 ऑन रोड प्राइस देखने को मिल जाता है ड्रम वेरिएंट की। तो अब बात कर लेते हैं डिस्क की, तो जो एक्स शोरूम प्राइस वो आपको 90,109 रुपये देखने को मिल जाती है। और साथ ही बात कर लूँ ऑन रोड प्राइस की तो आपको यहाँ पे 1,04,416 रुपये आपको यहाँ पे ऑन रोड प्राइस देखने को मिल जाएंगे। बाकी अगर आप इसमें एडिशनल वगैरह कुछ ऐड करवाते हो, जैसे जीरो डेप्ट वगैरह ऐड करवाते हो, तो थोड़ी सी प्राइस आपको और ज़्यादा देखने को मिल जाएगी, जैसे कि 600-700 में आपको यहाँ पे जीरो डेप्ट हो जाने वाला है। तो अब बात कर लेते हैं होंडा SV160 की। तो यहाँ पे आपको सिंगल डिस्क और डबल डिस्क दोनों में देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपको 160 cc का इंजन देखने को मिल जाता है। और साथ ही बात कर लो इसके एक्स शोरूम प्राइस की, तो यहाँ पे आपको 1,18,950 रुपये आपका एक्स शोरूम प्राइस देखने को मिल जाता है। साथ ही इसमें आपको 5 साल का इंश्योरेंस जो कि 9,671 रुपये का करवाना होता है। साथ ही रजिस्ट्रेशन का आपको यहाँ पे 12,795 रुपये लग जाते हैं। साथ ही वहीं बात कर लूँ ऑन रोड प्राइस की, तो यहाँ पे आपको 1,41,416 रुपये आपको यहाँ पे ऑन रोड प्राइस देखने को मिल जाते हैं सिंगल चैनल डिस्क की। अगर बात कर लूँ डबल चैनल डिस्क की तो यहाँ पे आपको 1,46,291 रुपये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। साथ ही अब बात कर लूँ यूनिकॉर्न 160 की, तो इसमें आपको ABS वेरिएंट देखने को मिल जाता है, जिसमें 160 cc का इंजन आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही अगर बात कर ले एक्स शोरूम की, तो इसका जो एक्स शोरूम है वो आपको 1,10,800 रुपये एक्स शोरूम प्राइस देखने को मिल जाता है, और जो ऑन रोड प्राइस है वो आपको 1,32,431 रुपये आपको ऑन रोड प्राइस देखने को मिल जाता है। साथ ही अब बात कर लेते हैं हॉर्नेट 2.0 की, तो इसमें आपको ABS वेरिएंट देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको 185 cc का इंजन देखने को मिल जाता है। साथ ही अगर इसकी बात कर लो एक्स शोरूम प्राइस की, इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है वो आपको 1,39,450 रुपये देखने को मिल जाते हैं। साथ ही बात कर लो ऑन रोड प्राइस की, तो इसका जो ऑन रोड प्राइस है वो आपको 1,64,183 रुपये ऑन रोड प्राइस देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं CV200X की, तो ये भी आपको ABS वेरिएंट में देखने को मिल जाता है, इसमें आपको 185 cc का इंजन देखने को मिल जाता है। साथ ही एक्स शोरूम प्राइस की बात कर लो तो यहाँ पे आपको 1,47,449 रुपये आपको एक्स शोरूम प्राइस देखने को मिल जाते हैं। साथ ही बात कर लो इसके ऑन रोड प्राइस की, तो यहाँ पे आपको 1,73,000 रुपये आपको ऑन रोड प्राइस देखने को मिल जाता है। और साथ ही अगर आपको कोई सा भी डिटेल चाहिए तो मैं आपको स्क्रीन पे नंबर दे रहा हूँ, आप यहाँ से कॉल कर कोई सा भी डिटेल आप ले सकते हो पहाड़िया होंडा से। तो बस इस वाले वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपकी वीडियो पसंद है। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।